आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद, मन शांत, डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स, आंखें बंद, मन शांत, डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स। अब सबसे पहले हम अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि मेरी लाइफ का वो कौन सा एरिया है जिसको मैं बेहतर करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ का वो कौन सा एरिया है जहाँ पे थोड़ा सा जितना होना चाहिए जितना अच्छा उससे थोड़ा सा कम अच्छा है, मेरी लाइफ का वो कौन सा वन थिंग एलिमेंट है, क्या वो फाइनेंस है, क्या वो इमोशनल है, क्या वो मेंटल पॉजिटिविटी है। सबसे पहले वो अपना वो आइडेंटिफाई करेंगे और अपने ब्रेन से, अपने बॉडी से, यूनिवर्स से प्रे करेंगे कि इस प्रोसेस में हमें कोऑपरेट करें, अपने शरीर से, अपने माइंड से, अपने हार्ट से, यूनिवर्स से, गॉड से, जो भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जो भी हमारे मेंटर्स रहे हैं, जो भी हमारे मेंटर्स आगे होने वाले हैं, उन सब से हम प्रे करेंगे कि इस प्रोसेस में हमें कोऑपरेट करें। और ये प्रोसेस है अपने ब्रेन में जो अनहेल्दी पैटर्न्स हैं उसको क्लीन करने का, उसको ट्रांसफॉर्म करने का, उसको रिप्लेस करने का, हमारे ब्रेन में जो भी ब्लॉक्स हैं उसको क्लीन करने का, जो भी अनहेल्दी थॉट्स बैठे हैं, जो भी फियर्स बैठे हैं, जो भी ब्लॉक्स बैठे हैं, जो भी नेगेटिव मेमोरीज बैठे हैं, उसको क्लीन करने का, ताकि हम लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाए जो भी गॉड ऑफ अबंडेंस है, जो भी गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो हाईएस्ट एनर्जी है, जो सारे रिच लोगों को रिचनेस दे रही है, जो सारे हैप्पी लोगों को एक हैप्पीनेस की पॉजिटिविटी एनर्जी दे रही है, जो सारे हेल्दी लोगों को बेस्ट ऑफ हेल्थ दे रही है, जो सारे फेमस और बस जो भी फेमस हैं, पावरफुल हैं, रिच हैं, विथ एथिकल अप्रोच, जो अनएथिकल वे से कहीं किसी भी सक्सेसफुल पे पहुंचे, हम वैसे हमें बिल्कुल नहीं बनना है, हम लोग को वैसी सक्सेस नहीं चाहिए, उससे अच्छे हम फेलियर से गुजारा कर लेंगे। जो लोग गलत रास्ते से फेम हासिल किए हैं, भगवान उस रास्ते पे हमें बिल्कुल सपोर्ट ना करे, उससे अच्छा हम लोग फेलियर में हम लोग खुश रह लेंगे, क्योंकि वो फेलियर ज्यादा अच्छी है ऐसी सक्सेस। ये हम लोग का इंटेंट है, एनर्जी है, ताकि जो भी गॉड है, जो भी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो भी डिवाइन इंटेलिजेंस है, उससे हम कनेक्ट कर पाए, वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर पाए, वो हमारे ऊपर रिलाई कर पाए। आंखें बंद, मन शांत। अब जो भी हमारा वीकेस्ट जोन था, अब वो स्ट्रॉन्गेस्ट जोन में कन्वर्ट हो रहा है। आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, दैट इज द इन द बेस्ट ऑफ फिजिकल हेल्थ। आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, आपकी एनर्जी लेवल अच्छा है, आपका स्टेमिना अच्छा है, आपकी जो मेंटल पॉजिटिविटी है वो बहुत स्ट्रांग है, आपका वो जो पॉजिटिव थिंकिंग क्वोशेंट है वो 90% है, 95% है, 85% है। आपको नेगेटिव सोचना ही नहीं आता, क्योंकि उसमें आप कुछ भी फायदा नहीं देखते हो, आप उसका नुकसान आप महसूस कर पाते हो। आप हर एक सिचुएशन में एक पॉजिटिव उसका जो नजरिया होता है, जो पॉजिटिव साइड होता है, अब आपका ब्रेन ऐसे डेवलप हो चुका है कि वो उसको वही दिखता है। और ये सारी चीजें डेमोन्स्ट्रेट की जा सकती है। अब अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखिए, जो भी आप मंथली इनकम चाहते हैं, जो भी नंबर, उस नंबर को क्रेडिट होता हुआ देखिए। अगर आप जॉब में हैं, वन टाइम चाहते हैं, वन टाइम क्रेडिट होता हुआ देखिए अपने अकाउंट में। बिजनेस में है, अलग अलग सम में क्रेडिट होता हुआ देखिए कि क्रेडिट हो रहा है, आपके पास मैसेज आ रहा है, आपने अपना मोबाइल में ऐप ओपन किया, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, आपने सारा क्रेडिट देखा, तो वही है जो आपकी जो आप चाहते थे, दैट इज 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज, जो भी आप चाहें। अपने चेहरे पे उस स्माइल को देखिए। अब उन पैसों को वहां खर्च होते हुए देखिए जहां आप करना चाहते थे और नहीं, ना होने के अभाव में आप नहीं कर पा रहे,
अपनी लाइफ में जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, देखिए आपकी लाइफ में अब चेंज हो रही है, आपके घर में चेंज हो रहा है, जो जो चीज आप चेंज करना चाहते हो आप उसको चेंज कर दो। अभी हम लोग जिस वर्ल्ड में है, नाउ वी आर इन द एनर्जी वर्ल्ड, बाद में यही चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। जो चीज एनर्जी वर्ल्ड में आ जाएगी फिर वो रियल वर्ल्ड में भी आ जाएगी। अभी हम लोग अपने एनर्जी वर्ल्ड में वर्क कर रहे हैं। अब मेरी मंथली इनकम डैश अमाउंट रुपीज पर मंथ है, ऐसा ही है, और अब मैं खुश हूं। अब मैं ए बी सी इन्वेस्टमेंट कर पा रहा हूं, मैं अपनी ए बी सी जरूरतों को पूरी कर पा रहा हूं, मैंने कर लिया है, आई एम हैप्पी फॉर इट, आई एम थैंकफुल फॉर इट। अब मैं इमोशनली स्ट्रांग पर्सन हूं, कैसे हुआ पता नहीं, ये जादू कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन दिस इज द रियलिटी ऑफ माई मोमेंट, दिस मोमेंट मैं इमोशनली स्ट्रांग पर्सन हूं। मेरा अपने इमोशन पे पूरा कंट्रोल है, क्योंकि मेरी अवेयरनेस अच्छी है, मेरा इनर पीस अच्छा है, मेरा जो सेल्फ कनेक्शन है वो अच्छा है, जो मेरा जो नेचर से कनेक्शन है, जो गॉड से कनेक्शन है वो अच्छा है। मेरी लाइफ में जितने भी अच्छे लोग आते हैं मैं उन सभी को वेलकम करता हूं, और मेरी लाइफ में जो भी लोग आते हैं जो थोड़े कम अच्छे हैं उनके साथ मैं वो ट्रीटमेंट रखता हूँ कि वो ज्यादा समय तक मेरी लाइफ में नहीं टिक पाते। मैं हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस को डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, अपना ख्याल रखता हूँ और मेरे आसपास जो होते हैं उन सबका ख्याल रखता हूँ। ना तो मैं किसी को चीट करता हूँ, ना मैं किसी को वो राइट या स्पेस देता हूँ कि कोई मुझे चीट कर पाए। अगर कोई मुझे चीट करता है तो उसमें मैं अपनी कमी ढूंढता हूँ कि हाँ मेरे से कहाँ गलती हुई, मैंने गलत पर्सन पे कैसे ट्रस्ट किया। मैं मेरा ब्लेमफुल अप्रोच बिल्कुल नहीं होता है, मेरा सीखने का अप्रोच होता है कि ठीक है ये गलती हुई आगे से नहीं होगी, ये मैं सीख लिया। के बंद मन शांत। आप अपनी फिजिकल हेल्थ से बहुत खुश हैं, बहुत थैंकफुल हैं। आप अपनी मेंटल पॉजिटिविटी से, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से, अपने माइंडसेट से, अपने वे ऑफ थिंकिंग से आप बहुत खुश हैं, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो आपको इनेबल करने वाला है। आपको किस सिचुएशन में अपने आप को कैसे सपोर्ट करना है, कैसे इंपावर करना है, वो सारे टूल्स आपको पता है, वो सारे स्किल सेट्स आपको पता है, वो सारे बिलीफ आपके ब्रेन में है जो आपको हमेशा इंपावर करते हैं। आप एक इमोशनली स्ट्रांग पर्सन है, जितने भी नेगेटिव इमोशंस थे, नेगेटिव मेमोरीज थी, वो क्लीन हो चुकी है या हो रही है। आप पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं और वो सारी पॉजिटिव एनर्जी आपको क्लीन कर रही है, इनेबल कर रही है, इंपावर कर रही है, क्योंकि आपने सरेंडर किया है हाईएस्ट एनर्जी को, डिवाइन एनर्जी को, डिवाइन इंटेलिजेंस को, गॉड को। जब हम उसको सरेंडर करते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें राइट लोगों से मिलाना, राइट एनर्जी से कनेक्ट करना, हमें एम्पावर करना, हमें गाइड करना, हमें सपोर्ट करना, हमें सॉल्यूशन से मिलाना। तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हम लोग उसी फ्रिक्वेंसी पर रेजोनेट कर रहे हैं, वी आर रेजोनेटिंग ऑन द सेम फ्रिक्वेंसी। सभी के लिए थैंकफुल होते हुए धीरे 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 अपनी बेस्ट ऑफ फिजिकल हेल्थ के लिए, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, जो कि अपने अब स्ट्रांग जोन में है, जो भी आपका वीक जोन था अब वो स्ट्रांग जोन में है। कैसे कि हमें चिंता नहीं करना है, हमें यूनिवर्स को सिग्नल देना है, वो हमें गाइड करेगी।